ये भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ हमारा हरदोई और ऐसी धरती जहां दो दो बार हरि पधारते हैं, ऐसा हरदोई। लेकिन इस हरदोई के लिए मेरी शिकायत है, करूं? लेकिन आप बुरा मान जाएंगे तो, नाराज हो जाएंगे तो। अरे चुनाव के दिनों में नाराज करना अच्छा होता है क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत? करूं पक्का? नहीं, अभी भी लगता है थोड़ा है। उधर वालों को तो बुरा नहीं लगेगा ना? इधर वालों को बिल्कुल नहीं लगेगा? मेरी शिकायत है, 2014 में मैं खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का चुनाव था, तब मैं यहां आया था, लेकिन इससे एक चौथाई लोग भी नहीं आए थे। और आज पूरा ऐसा लग रहा है केसरिया समंदर है मेरे सामने। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों का प्यार बोलता है, प्यार बोलता है। मैं आज उत्तर प्रदेश के जिन दो चरण में मतदान पूरा हुआ, उन दो चरण में भारी मतदान हुआ और सब प्रकार के अनुमान लगाने वालों ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रथम दो चरण में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी जन समर्थन दिया उत्तर प्रदेश ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े उसकी तारीफ न हुई हो। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सारा हिंदुस्तान गर्व अनुभव कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है। देश आगे बढ़ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर पीछे रह जाएगा तो चलेगा क्या? और उत्तर प्रदेश आगे न बढ़े तो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? अगर उत्तर प्रदेश बिहार से गरीबी गई तो मान लीजिए हिंदुस्तान से गरीबी गई।
अगर उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिल गया तो मान लीजिए हिंदुस्तान से बेरोजगारी गई। इतना बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के करोड़ों करोड़ों लोग, सामर्थ्यवान लोग, गंगा यमुना की धरती, उपजाऊ भूमि, मेहनत कश लोग, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है, क्या कारण है? भाइयों बहनों, लोगों में कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, सामर्थ्य की भी कमी नहीं है, संकल्प की कमी नहीं है। अगर कमी है तो यहां की सरकारों के इरादों की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, इस पर कभी सोचा नहीं गया। जो भी आया अपनी वोट बैंक संभालने में ही लगा रहा, वोट बैंक संभालने में, अपनी जो वोट बैंक है उसका भला हो जाए, उसके झोले में कुछ डाल दो, खुर्शियां आती रहेगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को ये सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर से मुक्त किए बिना उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। आपने मुझे सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश इतनी ताकत दे गया कि देश को स्थिर सरकार मिली, ये उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद थे कि गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सका। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माए बाप को छोड़ दूं, ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माए बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। आपने मुझे गोद लिया है, ये उत्तर प्रदेश मेरा माए बाप है, यहां की स्थिति बदलना, गोद लिया हुआ बेटा हूं तो भी ये मेरा कर्तव्य बनता है, और इस कर्तव्य को निभाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, भारी बहुमत से बनाइए। मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के भीतर भीतर जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, रास्ते खोज करके दे दूंगा भाइयों, रास्ते खोज करके।
आप मुझे बताइए, पुलिस थाना, ये पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? आप मुझे बताइए, पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? पुलिस थाना कानून नियम से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पुलिस की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजनेताओं की दखल बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, थानेदार को भी गुनाह रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? ये मेरी जानकारी सही है कि नहीं है? इससे मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी है? अगर सपा के कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसका गुनाह रजिस्टर हो किसका न हो, तो फिर गुंडागर्दी करने वालों को कोई रोक पाएगा क्या? खुला मैदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये परिस्थिति भाइयों बहनों, शांति अगर चाहिए तो कानून व्यवस्था का जिम्मेवारी से पालन होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने पराये नहीं होने चाहिए। गुनहगार गुनहगार होता है, जब तक इस प्रकार से काम नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी से नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, हमारे देश में राजनीतिक जो हत्याएं होती हैं, पूरे देश में उन राजनीतिक हत्याओं में सबसे ज्यादा देश में अगर हत्याएं कहीं होती है तो वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अब ये उनका काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? लोकतंत्र में अगर कोई उनको लगता है ये उभर रहा है, साल भर के भीतर भीतर उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। भाई, क्या ये लोकतंत्र है? भाइयों बहनों, अरे सरकारें आएगी जाएगी, ये जनता जनार्दन अजरा अमर होती है, उसकी सुरक्षा के बिना कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सबसे अधिक अगर गैंगरेप की घटनाएं कहीं होती है तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, आप तो परिवार वाले हैं, परिवारवाद वाले हो, परिवार का हर व्यक्ति फले फूले इसके लिए आप सब लोग लगे रहते हो, क्या आपको उत्तर प्रदेश अपना परिवार नहीं लगता है क्या? क्या उत्तर प्रदेश की बहन बेटी आपके परिवार की नहीं है क्या? और गैंगरेप हो और ये परिवार के लिए इतने समर्पित नेता लोग जो बयानबाजी करते हैं, आंखों से पानी निकाल दे ऐसी बयानबाजी करके हमारी माताओं बहनों को अपमानित करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का एक चित्र बदला जा सकता है। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियारों के द्वारा फायरिंग से कट्टे या कट्टा बोलते हैं ना, मैं तो हैरान हूं जी, कट्टे का राज चलता है, भाइयों बहनों गैर कानूनी हथियारों से फायरिंग से 3000 लोग मरते हैं, यहां 3000 हत्याएं होती है। ये कट्टे कौन बनाता है, ये कट्टे के कारोबार कौन करते हैं, ये कट्टे बेचने वाले कौन है, बारूद पहुंचाने वाले कौन है, क्या पुलिस कुछ नहीं कर सकती? भाइयों बहनों, अगर सरकार सही हो, अगर घुड़सवार सही हो, तो घोड़ा भी तो सही दिशा में चलता है भाई। भाइयों बहनों, हमारे देश में कुल आर्म्स एक्ट को लेकर के जो गुना रजिस्टर होते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर वालों की बात करता हूं, अनरजिस्टर की तो बात ही छोड़ो, आर्म्स एक्ट हथियारों से संबंधित कानून, उसके विषय में जितने केसेस होते हैं, करीब करीब 50% अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं, और जो रजिस्टर नहीं होते हैं, अगर वो संख्या जोड़ दी जाए तो पता नहीं हिंदुस्तान का कोई एक राज्य 100वें नंबर पर भी नहीं आएगा, अकेला उत्तर प्रदेश 1 से 100 में वही रहेगा जी। दलितों पर अत्याचार, भाइयों बहनों, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, इनकी सुरक्षा ये राज्य की पहली जिम्मेवारी होती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा, इनके कारनामे देखो, पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं, उसमें 20% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होती है, और सजा का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, समाज का सामान्य से सामान्य व्यक्ति, उसके जीवन पर इस प्रकार के संकट और इसके लिए सीधी जिम्मेवारी सरकार की है, कानून भी है, पुलिस भी है, थाने भी है, फिर भी स्थिति बेहाल है। कारण, सरकार में बैठे हुए लोगों में कोई कमी है, कोई दोष है।